स्वागत है दोस्तों आप लोगों का सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 12 के अंदर। तो लास्ट वाला एपिसोड में हम लोग देख लेता है कि जिनको एक नए डंजन के अंदर जाता है जॉब चेंज की उसकी जो क्वेस्ट होती है उसको चेक करने के लिए आखिरकार ही है क्या, जहां पर उसका सामना काफी सारे मॉन्स्टर्स से होता है। उन मॉन्स्टर्स को मारने के बाद उसको एक काफी पावरफुल नाइट मिलता है एंड उसको मारने के बाद उसको काफी सारे आइटम्स मिलते हैं। उनमें से एक आइटम्स होता है टेलीपोर्टेशन स्टोन और वहीं पे हमारा लास्ट वाला एपिसोड खत्म हो गया था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जिनको वो यहाँ पे क्लॉक देखते हैं तो देखे काफी ज्यादा हैरान होता है, कहते हैं क्या सिर्फ 5 मिनट बीते हैं। जिनको को भी लगता है अब उसको हार मान लेना चाहिए, वो कहता है कि मेरे को नहीं लगता कि मैं इनके खिलाफ टिक पाऊंगा, मेरे को यहाँ से चले जाना चाहिए। जिनू ऐसा इसलिए सोच रहा था क्योंकि सिर्फ 5 मिनट हुए होते हैं, उसकी हालत लगभग पूरी तरीके से खराब ही हो गई होती है, मतलब वो बस सरवाइव ही कर रहा है किसी तरीके से। यहाँ पर जिनू वो अपने टेलीपोर्टेशन स्टोन का इस्तेमाल कर पाता उससे पहले ही उसको यहाँ पर एक नाइट काफी तेजी से हैमर से उसके ऊपर अटैक करता है। जिनू काफी दूर गिरता, साथ ही में उसका जो टेलीपोर्टेशन स्टोन होता है वो भी उसके हाथ से छूट के काफी दूर गिर जाता है, जिसके बाद सभी लोग वो यहाँ पर जिनू को घेर लेते हैं चारों तरफ से। लेकिन जिनू भी कहाँ हार मानने वाला, जिनू खड़ा होता है और कहता है मैं इस तरीके से तो नहीं मरूंगा, मैंने इस अपॉर्चुनिटी के लिए काफी ज्यादा मेहनत की है, मैं पहले काफी ज्यादा कमजोर था और ये मेरा सपना है कि मैं सबसे टॉप पे जाऊं, और इस समय मैं कितने ज्यादा बेहतर फील कर रहा हूं ये हर कोई नहीं जान सकता, सिर्फ वो जान सकता है जो कि कमजोर है। और एक ई रैंकर किसी भी तरीके से किसी की मदद नहीं कर सकता, वो लोग जो कि अपने आप को हंटर्स कहते हैं वो एक सिंगल मैजिक बीस्ट को भी नहीं मार पाते हैं, कितना बुरा होता है। और काफी ज्यादा गुस्से में जिनवू उन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करता है, कुछ को मार देता है, लेकिन जिनवू फिर से थक जाता है क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, वो काफी सारे थे वहां पर। जिसके बाद जिनवू कहता है कि वो इंसान जिसका निकनेम था दुनिया का सबसे कमजोर हंटर, सबसे कमजोर ना कि सबसे ज्यादा ताकतवर। जिनवू अपनी पुरानी बातों को याद कर रहा होता है कि आखिर किस तरीके से लोग उसके बारे में बात किया करते थे कि ये दुनिया का सबसे वीकेस्ट हंटर है, अगर ये किसी रेड में जा रहा है इसका मतलब जो सामने वाली रेड है वो काफी ज्यादा कमजोर होगी, इजी होगी, और लोग इसी तरीके से इसका मजाक उड़ाया करते थे। हालांकि कुछ लोग थे जो कि उसकी मदद भी किया करते थे, जैसे कि जीहू, मिस्टर सॉन्ग। जिनवू को अपनी परछाई दिखाई देती है जो कि उसको कहती है कि आखिरकार क्यों तुम हर बार एक खतरनाक रास्ते को ही चुनते हो, जबकि एक सेफ रास्ता भी है। तुम काफी ज्यादा लकी थे कि तुम हर बार बच गए और यहाँ तक पहुँचे एक ई रैंक हंटर होने के बावजूद भी, क्या तुम इस बात से एग्री नहीं करते सॉन्ग जिनवू? जिनवू का पुराना वाला रूप जिनवू की तारीफ करते हुए कहता है कि वाओ ये तो मैं हूँ, मेरे को विश्वास नहीं होता है कि हम दोनों सेम ही पर्सन है, और तुम कितना ज्यादा बढ़ गए हो, तुम्हारे मसल्स भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई हैं और तुम काफी ज्यादा ताकतवर भी लग रहे हो, लेकिन सिर्फ तुम्हारा अपीयरेंस है जो कि चेंज नहीं हुआ, तुम अभी भी कमजोर हो। तुम जानते हो तुम में और मेरे में क्या फर्क है, तुमने अपने आप को फिर से लाइफ और डेथ जैसी सिचुएशन में दोबारा से ले आए हो। जिनवू को पुराना रूप जो होता है वो जिनवू को काफी कुछ बोल रहा होता है, लेकिन जिनवू यहाँ पर सरवाइव करने के लिए उन नाइट्स से, उन मॉन्स्टर्स से लड़ रहा होता है। उस पे अभी भी जितनी भी पावर्स बची हुई होती हैं उनका इस्तेमाल करके वो उन मॉन्स्टर्स को खत्म करने की ट्राई कर रहा होता है। जिनवू का पुराना रूप उसे कहता है कि ई रैंक हंटर सॉन्ग जिनवू तुम कितना भी कुछ कर लो, करेज का कोई भी मतलब नहीं अगर तुम नहीं जानते कि तुम्हारी असली जगह क्या है। जिनवू अपने पुराने वाले रूप से कहता है कि चुप रहो, और वो मॉन्स्टर से अभी भी फाइट कर रहा होता है। हालांकि मॉन्स्टर उसको काफी ज्यादा घायल कर रहे होते हैं, उसके ऊपर वो भारी पड़ रहे होते हैं, लेकिन जिनवू अभी भी उनसे लड़ रहा होता है, उनको मारने की कोशिश कर रहा होता है। और तब भी उनमें से जो एक बहुत बड़ा नाइट होता है वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके जिनवू को पकड़ता है और जमीन में काफी तेजी से दबा देता है, इसकी वजह से आसपास की जितनी भी जमीन होती है पूरी टूट जाती है। जिनवू को पुराना रूप जिनवू से कहता है तुम्हें अभी भी काफी लंबा चलना है, तुम्हें अभी भी काफी सारे लोगों को मारना है, काफी सारे सैक्रिफाइस करने हैं, यहाँ तक कि तुमको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी छोड़ना पड़ेगा, और तुम अपनी मौत के कारण खुद बनोगे। साथ ही में यहाँ पे जो नाइट होता है वो अपनी स्वॉर्ड निकाल के जिनवू को मारने के लिए रेडी होता है और उसके ऊपर अटैक करने आता है। जिनवू अपने आप से कहता है कि आखिरकार ये सब क्या है, लेकिन हाँ ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ मेरे साथ पहले भी हो चुका है। जिनवू यहाँ पर अपनी आंख बंद करता है, उससे पहले ही जिनवू का जो सिस्टम होता है उसको नोटिफिकेशन देके बताता है कि तुम्हारी क्वेस्ट आ गई है, और तभी जिनवू को पता चलता है कि उसके जो डेली क्वेस्ट है उसका जो टाइम है बहुत ही कम बचा है, लगभग 8 सेकंड बचे हुए होते हैं। धीरे धीरे करके जिनवू का जो क्वेस्ट का टाइम होता है अब वो खत्म हो रहा होता है। जिनवू कहता है मेरे क्वेस्ट कंप्लीट करने का टाइम ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है। जिनवू का पुराना रूप जिनवू से कहता है लक ये भी एक स्किल होती है, मुझे लगता है कि वो लोग भी तुमको इस जगह पे मरने नहीं देना चाहते हैं, चलो अगली बार मिलेंगे, ऐसा कहकर उसका जो पुराना रूप होता है वहां से गायब हो जाता है। जिनवू के क्वेस्ट कंप्लीट करने का जो टाइम होता है वो भी ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया होता है, 1 सेकंड और जैसे 0 सेकंड होता है। इस तरफ जो नाइट होता है वो जिनवू के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन जिनवू को यहाँ पर जैसे कि टाइम जो था वो 0 सेकंड हो चुका था, यानी कि उसका जो क्वेस्ट कंप्लीट करने का टाइम था वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो इसलिए जिनवू को जो है उसका जो क्वेस्ट ना कंप्लीट करने की वजह से उसको भी यहाँ पर पेनल्टी भरनी पड़ेगी, इसलिए जिनवू को उस जगह से गायब होकर टेलीपोर्ट करके उस
उसको पेनल्टी जोन में भेज दिया जाता है। वो नाइट भी देख के काफी ज्यादा हैरान होता है कि वो बंदा कहाँ गया, यानी कि जिनवू वो वहाँ से गायब हो गया होता है। हम लोग जिनवू को देखते हैं जो कि अब अपने पेनल्टी जोन में आ चुका है। तो जिनवू उसी जगह पे आ चुका है, उसी रेगिस्तान में जहाँ पर वो फर्स्ट टाइम आया था जब वो हॉस्पिटल में था, जब उसने अपना क्वेस्ट कम्प्लीट नहीं किया था। जिनवू जगह को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है। उस जगह को देखते हुए जिनवू कहता है कि ये तो पेनल्टी जोन है ना। जिसके बाद जिनवू को थोड़े समय पहले की बात याद आती है, जब वो थोड़े बहुत मॉन्स्टर्स को मारने के बाद आगे जा रहा था डंजन में, तो उसको याद आया था कि अपना उसको डेली क्वेस्ट भी कंप्लीट करना है, लेकिन उसने वो नहीं किया था। तो उसने सोचा था कि वो बाद में कर लेगा इस क्वेस्ट को कंप्लीट करने के बाद, लेकिन अभी तक उसने उस क्वेस्ट को कंप्लीट नहीं किया और इसकी वजह से वो इस जगह पर आ गया है। जिसके बाद जिनवू कहता है कि जैसा कि मैंने आज क्वेस्ट को कंप्लीट नहीं किया, यानी कि मिडनाइट बीत चुकी है और वैसे ये कितना बेहतरीन समय है ना, मेरे को लगा नहीं था कि मैं उस जगह से बच के निकल पाऊंगा, पर ऐसा हो गया। जिनवू अपना यहाँ पर स्टेटस चेक करता है, जहाँ पर उसकी जो एचपी होती है वो लगभग 1% ही होती है, मतलब सब उसका लो ही होता है इस समय पर। फिर जिनवू उसके बाद उस चीज को याद करता है कि किस तरीके से उसको लगा था कि वो जितनी देर तक उस जगह पर रहेगा डंजन के अंदर, उसके उतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे, उसको फायदा होगा, लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि कुछ गड़बड़ हो जाएगा। जिसका जिनवू अपने सिस्टम की तारीफ करते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे सिस्टम की वजह से मैं बच गया, ये मेरा लक था, क्योंकि जॉब चेंज क्वेस्ट जो थी वो काफी ज्यादा ही मुश्किल थी। और क्या शायद ये ऐसा इसलिए हुआ हो क्योंकि मेरा सिस्टम चाहता हो कि मैं ज्यादा से ज्यादा पॉइंट ले सकूं। लक कोइंसिडेंट मुझे नहीं फर्क पड़ता है क्या था, पर जो भी था वो बेहतर था। जिसका जिनवू अपने सिस्टम में शॉप में जाता है, वहाँ पर देखता है कि उसके पास क्या क्या आइटम है ताकि वो अपने यहाँ पर जो स्टेट्स है उसको इंक्रीज कर सके, क्योंकि उसका जो फटीग होता है वो भी 90 क्रॉस कर गया होता है और ये ऐसा पहली बार हुआ होता है। जिनवू कहता है कि मेरे पास काफी सारे गोल्ड है, तो मैं इसका इस्तेमाल करके यहाँ पर कुछ पोशन खरीद सकता हूँ और इसका इस्तेमाल करके मैं अपने आप को रिकवर कर सकता हूँ, तो देखता हूँ यहाँ पर कौन सा बेस्ट ऑप्शन है मेरे पास। जिसके बाद जिनवू यहाँ पर काफी सारे जो आइटम्स होते हैं उनको बाय करके उनको कंज्यूम कर लेता है। जिनवू कहता है कि मेरे को लगता है कि मेरा फटीग जो लेवल है वो तो कम हो गया है, लेकिन मेरी हेल्थ रिकवर नहीं हो रही है। ऐसा शायद इसलिए हो रहा होगा क्योंकि मेरी चोटें जो है वो काफी ज्यादा सीरियस हैं। मेरे हिसाब से मेरे पास कोई दूसरा चॉइस है नहीं, मेरे को अब तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि मैं नेचुरली रिकवर नहीं हो जाता हूँ। तभी जिनवू को याद आता है और वो कहता है कि एक मिनट, शायद मैं अपने आप को हील कर सकता हूँ लेवल अप करके, क्योंकि लेवल अप करने पे मेरे को रिवॉर्ड्स मिलते हैं, उस पे मैं यहाँ पर हील हो सकता हूँ, और वैसे भी मैं अभी पेनल्टी जोन में हूँ, ना कि जॉब चेंज क्वेस्ट वाले डंजन में, तो शायद मैं ऐसा कर सकता हूँ। लेकिन मेरे को ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि अगर मेरे को एक भी हिट लगा तो मेरे करंट स्टेटस के साथ मैं तो खत्म ही हो जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा। लेकिन कोई नहीं, मेरे को काफी ज्यादा बेहतर फील हो रहा है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही दिक्कत है, क्या मेरे को यहाँ पर इतने मैजिकल बीस्ट मिल पाएंगे जो कि मेरे को मेरे लेवल अप करने में हेल्प कर सके। तभी जिनवू देखता है कि यहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, बीस्ट आ जाते हैं, जिनको देखते हुए जिनवू कहता है कि अरे मेरे को तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। वो मॉन्स्टर्स जिनवू के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन जिनवू उन लोगों को मार देता है और कहता है कि तुमको तो अगली बार देखूंगा। जिसके बाद जिनवू वहाँ पर जितने और भी मॉन्स्टर्स होते हैं उनको भी मार देता है और कहता है कि दर्द मेरे को मार नहीं सकते, मैं सिर्फ उनसे ताकतवर बनूंगा। जिनवू का यहाँ पर टाइमिंग भी स्टार्ट हो गई होती है क्योंकि अभी वो पेनल्टी जोन के अंदर है, तो उसको 4 घंटे मिले हुए हैं और उसको इस जगह पे 4 घंटे तक सर्वाइव करना है। इसके बाद अगले सीन में हम लोग जिनवू के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पे उसकी सिस्टर होती है, वो रात में उठ जाती है क्योंकि उसको रात में अजीब सपने आ रहे होते हैं। जिसके बाद वो सामने टाइम को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि रात में लगभग 3:30 बज रहे थे। जिनवू की सिस्टर कहती है कि आज तो काफी ज्यादा लेट हो गया है, जिनवू अभी तक घर पे नहीं आया है, क्या अभी भी वो काम कर रहा है या शायद वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हो। अरे नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो नामुमकिन है। इस तरफ हम लोग जिनवू को देखते हैं उसके पेनल्टी जोन में, लगभग 4 घंटे बिता लिए होते हैं और उसको इस जगह पे सिर्फ 15 मिनट तक ही सर्वाइव करना है। सर्वाइव क्या करना है, जिनवू अपना फायदा ले रहा है यहाँ पर, तो बल्कि अब मॉन्स्टर्स को सर्वाइव करना है जिनवू से बचने के लिए। काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार चुका होता है जिनवू यहाँ पर और काफी ज्यादा लेवल अप भी कर चुका होता है अपना। जिनवू अपने आप से कहता है कि मैं सही था, मैं अपने लेवल अप रिवॉर्ड का इस्तेमाल कर सकता हूँ अपनी हेल्थ को रिकवर करने के लिए पेनल्टी जोन के अंदर भी, और यहाँ तक कि मैं अपने शॉप फंक्शन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर कुछ चीजें बाय कर सकता हूँ, जो भी मेरे को आइटम बाय करना है, ताकि मैं अपने हेल्थ और फटीग लेवल को रिकवर कर सकूं। इसके बाद जिनवू को हम लोग को स्टेटस विंडो दिखाया जाता है। जिनवू के स्टेटस विंडो को देख कर मैं भी काफी ज्यादा हैरान था। सीरियसली यार, जिनवू का 1% बचा हुआ था और इस समय जिनवू ने 100% से ज्यादा लेवल अप कर लिया था। उस समय जिनवू के 10,000 कुछ एचपी थी और अब उसकी 11,000 एचपी से ज्यादा हो चुकी है। एमपी भी उसकी काफी ज्यादा बढ़ गई है और फटीग तो उसका 0 हो गया। भाई ये स्टेटस विंडो देखकर मैं तो काफी ज्यादा हिल गया कि भाई 4 घंटे में इस बंदे ने कितनों को मार दिया और कितना ज्यादा लेवल अप कर लिया इसने। अगर आप लोगों को भी ये वाला स्टेटस विंडो मस्त लगे तो इस टाइम स्टैम्प को आप लोग कमेंट करके बताना मेरे को कैसा लगा आपको ये वाला सीन।
जिसके बाद जिनवू कहता है कि अभी भी मेरे पास 3 मिनट है जॉब चेंज क्वेस्ट जोन में टेलीपोर्ट होने के लिए, तो जितना समय मेरे पास बचा हुआ है उतने समय में मैं अपने आप को प्रिपेयर कर लेता हूँ, क्योंकि जिनवू जैसे यहाँ से टेलीपोर्ट होगा उसके ऊपर वो तलवार आके गिरेगी, जिनवू को वो सारे नाइट्स मिलेंगे जिसने जिनवू की काफी अच्छी तरीके से भी पिटाई की थी, तो जिनवू को उन सभी को तो मारना है। जिसके बाद जिनवू यहाँ पर अपना डैगर निकाल कर प्रैक्टिस करने वाला ही होता है, लेकिन तभी जिनवू कहता है कि मेरे को नहीं लगता कि मेरे पास अभी जो डैगर है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि वो नाइट के डिफेंस को ब्रेक कर सके, तो मेरे को काफी ज्यादा स्ट्रांग वीपन चाहिए होगा। जिसके बाद वो अपने जो शॉप होता है उसमें यहाँ पर चेक करता है कौन सा बेहतरीन डैगर है उसके पास, जिसका कि इस्तेमाल करके वो उन नाइट के जो आर्मर है उनको पूरी तरीके से ब्रेक कर सके। उसको अपने शॉप में एक डैगर मिल जाता है जिसका नाम होता है नाइट किलर, जिसको जिनवू बाय कर लेता है। हालांकि जिनवू को ही काफी ज्यादा महंगा पड़ता है, वो इसको 2.8 मिलियन गोल्ड का पड़ता है जो कि काफी ज्यादा महंगा है, लेकिन जिनवू कहता है कि कोई नहीं थोड़ा सा महंगा यार। तो जिनवू ने यहाँ पर सिर्फ अभी डैगर को बाय किया है, अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, इसलिए जिनवू अपने आप को पूरी तरीके से अपने आप को सेट करने के लिए यहाँ पर कुछ और चीजें को बाय करता है, जैसे कि बैंडेजेस, एंड उन बैंडेजेस को अपने हाथों पे लपेट लेता है। इसके बाद जिनवू यहाँ पर उसके पास जो आइटम होता है रून स्टोन उसको भी यहाँ पर ले लेता है, एंड वो उसका भी इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उसको एक नई स्किल द कमांडर टॉर्च मिल जाती है। तो बेसिकली जो स्किल है इस स्किल के अंदर इसको कोई भी माना की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, यानी कि कोई भी माना कंज्यूम नहीं करेगा, और इस स्किल का इस्तेमाल करके जिनवू किसी भी चीज को बिना उसको छुए फिजिकली कंट्रोल कर सकता है। वैसे भाई ये वाली स्किल तो मेरे को काफी ज्यादा बेहतरीन लगी कि किसी चीज को बिना छुए उसको कंट्रोल कर सकते हैं। चलो देखते हैं कि जिनवू इसका कहां पर इस्तेमाल करेगा। जिनवू इस स्किल की तारीफ करते हुए कहता है कि अगर इस स्किल को इसके डिस्क्रिप्शन से जज किया जाए तो ऐसा लगता है कि ये स्किल काफी ज्यादा यूजफुल होगी। जिनवू को याद आता है कि जब बड़े वाले नाइट ने जिनवू को थ्रोन के ऊपर फेंक दिया था, उसको मारने के लिए उसने जो तलवार मंगाई थी ना अपने पास, उसने शायद इसी स्किल का इस्तेमाल किया हो। जिसके बाद जिनवू कहता है कि क्या मैं बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को भी यहाँ पर मूव कर सकता हूँ। वो ट्राई करता है, लेकिन उसका जो सिस्टम होता है उसको नोटिफिकेशन देके बताता है तुम्हारा लेवल अभी काफी ज्यादा कम है, तुम इस ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कर सकते हो। जिसके बाद जिनवू का सिस्टम उसको बताता है कि भाई देख, तेरे पास अभी 4 सेकंड बचे हुए हैं और बस 4 सेकंड बाद तू टेलीपोर्ट होने वाला है। जिनवू कहता है कि ये मेरा लास्ट चांस है और ये सब चीजें मैंने इसी चीज के लिए प्रिपेयर की हैं। मेरे को लगता है कि मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है, बाकी सब कुछ मैंने अपने लक के ऊपर छोड़ दिया है। और यहाँ पर 0 सेकंड हो जाते हैं, यानी कि जो टाइम है वो यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, और जिनवू का पेनल्टी क्वेस्ट जो है वो भी खत्म हो गया है। इसके बाद जिनवू फिर से टेलीपोर्ट हो जाता है जॉब चेंज क्वेस्ट वाले डंजन के अंदर, जहाँ पर उसके सामने काफी सारे नाइट्स होते हैं। जिनवू को इन सभी को मारना है। इस समय जिनवू नाइट्स की तरफ देखते हुए कहता है कि मेरे को यहाँ से गए हुए कुछ घंटे हुए हैं, लेकिन इनके नंबर्स, इनकी जो संख्या बढ़ गई है, इसको देखते हुए लग रहा है कि काफी ज्यादा तेजी से बढ़ी है। इसके बाद क्या, सारे के सारे जितने भी नाइट्स होते हैं वो जिनवू के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन जिनवू यहाँ पर तैयारी करके आया हुआ होता है, एंड वो यहाँ पर सभी के सभी जितने भी नाइट्स के ऊपर आ रहे होते हैं अटैक करने के लिए, सभी को मारते हो जाता है। जिनवू अपने डैगर की तारीफ करता है और कहता है कि भाई नाइट किलर, ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। जिनवू यहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार चुका होता है, लेकिन जिनवू किसी चीज की कमी लग रही होती है। जिनवू अपने मन में सोचते हो कहता है कि मेरे को कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, मैं यहाँ पर काफी सारे लोगों से लड़ रहा हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है कि मेरे को कोई एक्सपीरियंस मिल रहा है। पेनल्टी जोन के अंदर मैं मॉन्स्टर्स को मार रहा था, लेकिन मेरा लेवल अप भी हो रहा था। यहाँ पर जो मेज है, इन लोगों ने मेरे पास अभी तक एक बार भी अटैक नहीं किया है, ये सिर्फ यहाँ पर चैंटिंग कर रहे हैं। मेरे पर ये जो नाइट्स हैं, सिर्फ यही लोग अटैक्स कर रहे हैं। आखिरकार किस प्रकार के मैजिक स्पेल का इस्तेमाल कर रहे हैं मेज? कहीं ये समनिंग स्पेल का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं? और इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कितने सारे नाइट्स को मारता हूँ, क्योंकि मेरे को कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जितने भी मैजिक बीस्ट हैं इनको समन करके बुलाया गया है और इस वजह से मेरे को किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस पॉइंट ही नहीं मिल रहा है? तो जिनवू सबसे पहले जाकर वहाँ पर जो मेज होता है उसको ही निपटाता है। उसको निपटाने के बाद जिनवू फिर से यहाँ पर जितने भी नाइट्स होते हैं इन लोगों को मारना शुरू कर देता है। इसी बीच जिनवू को यहाँ पर एक स्किल मिलती है, एक नई स्किल, जो कि होती है डैगर टॉस। जिनवू को भी पता चल जाता है कि यहाँ पर जो बीस्ट आ रहे थे असल में ये लोग समन बीस्ट थे, जिनको की मेज एक गेट के थ्रू यहाँ पर बुला रहा था। जिनवू अपने मन में सोचते तो कहता है कि क्वेस्ट अभी तक खत्म नहीं हुआ है, मेरे को जितने भी बाकी बचे हुए मेज हैं उन लोगों को ढूंढ कर खत्म करना होगा। जिसके बाद वो यहाँ पर अपने कैमोफ्लेज स्किल का इस्तेमाल करता है और गायब हो जाता है। जिनवू ऐसा करके कुछ भी नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ पर जो मेज है वो यहाँ पर अपनी डिटेक्शन स्किल का इस्तेमाल करके उसको डिटेक्ट कर लेते हैं कि इस समय जिनवू कहाँ पर है। जिनवू कहता है कि तुम लोग अपने डिटेक्शन का इस्तेमाल करके मेरे को तो ढूंढ पा रहे हो, पर थैंक्स, और इस वजह से मैं तुमको भी लोकेट कर पा रहा हूँ।
जिनवू को यहाँ पर पता चल जाता है कि टोटल यहाँ पे 5 मेज हैं, जिसके बाद वो यहाँ पर एक एक करके उनके ऊपर अटैक करता है। सबसे पहले मेज के पास जाता है, अपने डैगर के हेल्प से उसको मार देता है और वहाँ पर जितने भी नाइट्स होते हैं उन सबको भी मार देता है। जिसके बाद जिनवू एक एक करके जितने भी यहाँ पर मेज होते हैं उन सभी को ढूंढ ढूंढ कर मारना शुरू करता है, और जो नाइट उसको बचाने के लिए आ रहे होते हैं साथ में उनको भी मार रहा होता है। तभी इस लड़ाई के बीच में एक नाइट जिनवू के शरीर में तलवार घोंप देता है, जिसकी वजह से जिनवू काफी ज्यादा घायल हो जाता है। लेकिन जिनवू अभी भी लड़ रहा होता है, जिनवू के ऊपर जो नाइट्स अटैक कर रहे होते हैं उसके पीछे एक मेज होता है। जिनवू उसे देखते हुए कहता है, इन छोटे मोटे चीजों के पीछे तुम कब तक छुपोगे, और जिनवू उस मेज को पकड़ कर भी मार देता है। अब यहाँ पर टोटल 3 ही मेज बचे हुए होते हैं, लेकिन उन मेज ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके वहाँ पे एक बहुत बड़ा गोलम को बुला लिया होता है, जो कि जिनवू को अटैक करता है। लेकिन जिनवू यहाँ पर उसके ऊपर भी अटैक करके उस गोलम को भी मार देता है, जिसके बाद जिनवू सामने उन मेज को देख लेता है। और अब यहाँ पर जो नाइट्स की संख्या होती है वो भी कम हो गई होती है, जिसके बाद जिनवू काफी तेजी से उन मेज की तरफ जाता है और उन तीनों मेज को एक ही हिट में खत्म कर देता है। इसके बाद यहाँ पर जितने भी नाइट्स होते हैं वो सभी मर जाते हैं। तो जिनवू को यहाँ पर टोटल 4 घंटे 29 मिनट से ज्यादा का समय लगा होता है, जिसके बाद जिनवू का जो सिस्टम होता है उसको नोटिफिकेशन देके बताता है कि आपने टेस्टिंग रूम के अंदर जितने भी मॉन्स्टर थे उन सभी को हरा दिया है, आपकी जॉब चेंज क्वेस्ट जो है वो खत्म हो गया है। इसके बाद फिर से एक नोटिफिकेशन देके जिनवू को बताया जाता है कि आपने यहाँ पर काफी सारे प्रमोशन पॉइंट्स कमाए हैं, जिसकी वजह से एक हाई रैंक क्लास की जॉब प्लेसमेंट के लिए आप क्वालिफाई हो गए हो। जिनवू कहता है कि आखिरकार ये खत्म हुआ, फाइनली मेरे को एक जॉब मिल गई, और मैं तो तय कर चुका हूँ कि मैं यहाँ पर एक असैसिन चॉइस करूंगा, क्योंकि मैं इस डैगर को काफी समय से इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन जिनवू का सिस्टम उसको नोटिफिकेशन देके कुछ अलग ही चीज बताता है, प्लेयर को एक बेहतर जॉब दी जा रही है प्लेयर के जो रिकॉर्ड्स हैं उसके बेस पर उसका एनालाइज कर। जिनवू कहता है क्या 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 असाइन, मतलब मैं खुद नहीं चुन सकता हूँ इसको। तो जिनवू का यहाँ जो सिस्टम होता है वो सब कुछ डिटेक्ट वगैरह करता है कि उस जो प्लेयर है उसका रिकॉर्ड कैसा है, जैसा कि जो प्लेयर है वो दूसरे पे डिपेंड नहीं है कि दूसरे उसकी हेल्प करेंगे, उसको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना है। साथ ही में और भी चीजें जो भी यहाँ पर जिनवू के रिकॉर्ड्स में होती है उन सबको यहाँ पर वो एनालाइज करता है अच्छे से। फाइनली जिनवू का जो सिस्टम होता है उसको बताता है कि तुमको एक नेक्रोमेंसर क्लास में असाइन कर दिया गया है। पर जिनवू यहाँ पर इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं होता है, वो कहता है क्या क्या ये क्या कर दिया। जिसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि नेक्रोमेंसर जो होता है वो एक सब कैटेगरी होती है मेज क्लास की। इन लोगों को डार्क मेज भी कहा जाता है, जो कि अनडेड लोगों की आर्मी को कमांड करते हैं। पर जिनवू यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान होता है, वो कहता है कि मैं शुरू से तो यार यहाँ पर डैगर का इस्तेमाल कर रहा था, और जिस तरीके का मेरे को लग रहा था मैं यहाँ पर असैसिन बनता या फाइटर क्लास मेरे को मिलती, लेकिन मेरे को ये किस तरीके की चीज दे दी इन लोगों ने। जिसके बाद जिनवू कहता है कि मेरे को सबसे पहले तो यहाँ पर शांत होना होगा, पर हाँ यहाँ पर एक अच्छी चीज भी तो है ना, मैं यहाँ पर अपनी खुद की एक आर्मी को समन कर सकता हूँ, जैसा कि मेरे सिस्टम ने भी कहा है। पर हाँ, जो समनर होते हैं वो ताकतवर तो नहीं बन सकते ना, तो शायद मेरी जो स्टैट्स है वो यूजलेस है। जिनवू का सिस्टम उससे यहाँ पर जो उसने जॉब मिली होती है उसको कहता, क्या तुम जो जॉब असाइनमेंट तुमको मिला हुआ है क्या तुम इसको एक्सेप्ट करोगे। जिनवू सोचता है, कहता है यार कि चॉइस तो दी गई है मेरे को, अगर मैं इस चीज को डिक्लाइन कर देता हूँ, मना कर देता हूँ, तो मैं जॉब चेंज नहीं कर पाऊंगा। जिनवू का सिस्टम उसको बताता है नेक्रोमेंसर एक हिडन क्लास है, क्या तुम अभी भी इसको डिक्लाइन करना चाहोगे। कुछ हंटर्स होते हैं जो कि पावरफुल शील्ड को क्रिएट कर सकते हैं, कुछ हंटर्स होते हैं जो कि अपनी मैजिक पावर दूसरों को दे सकते हैं, यहाँ तक कि वो हीलर नहीं है तब भी, और यहाँ तक कि काफी सारे रूमर्स हैं कि व्हाइट टाइगर गिल्ड का जो मास्टर है एस रैंक, उसके पास एबिलिटी है कि वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता है एक मैजिक बीस्ट में। और ऐसे हंटर्स जिनके पास इस प्रकार की काफी स्पेशल पावर होती है उनको बड़े बड़े गिल्ड क्रिएट करते हैं। जिनवू कहता है, अच्छा तो इसका मतलब ये है कि वो हंटर्स जिनके पास यूनिक एबिलिटीज होती है उनको हिडन क्लास कहते हैं। वैसे हाँ, मैं इस वाली जॉब को ट्राई तो कर सकता हूँ, ये चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग तो लग रही है, जैसे कि ये मेज साथ ही में ये लोग यहाँ पर एक आर्मी को भी समन कर पा रहे थे, इसका मतलब ये है कि मैं भी खुद की अपनी यहाँ पर जो आर्मी है उसको यहाँ पर समन कर सकता हूँ, जो कि मेरे कमांड को मानेगी, और शायद मैं बी रैंक या उससे हायर के जो डंजन है अपने आप पर अपने दम पर क्लियर कर सकता हूँ, जैसा कि ये गेम जो कि मेरे स्किल लेवल और मेरी एबिलिटी स्टेट से कंट्रोल की जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जिन बीस्ट को मैं समन करूंगा जब उनका लेवल अप होगा तो साथ ही में मेरा भी लेवल अप होगा। जिनवू का सिस्टम उसको बताता है कि तुमको प्रमोट कर दिया गया है नेक्रोमेंसर से द मोनार्च ऑफ शैडो में। जिनवू काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, द मोनार्च ऑफ शैडो, क्या ये सेकंड जॉब चेंज है। जिनवू सिस्टम उसको यहाँ पर बताता है, तुमने एक नई चीज सीखी है जो कि है जॉब स्पेसिफिक स्किल, साथ में तुमको यहाँ पर कुछ बोनस स्टेट्स भी मिले हैं, साथ में तुमको यहाँ पर एक टाइटल मिला है कॉन्करर ऑफ एडवर्सिटी। जिनवू को तो ये सब चीजें देख के काफी ज्यादा हैरानी हो रही होती है, वो तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा होता है।
जिनू कहता है जैसे कि एक फाइटर बर्सर्क बन सकता है, एक नाइट स्वॉर्ड मास्टर, एक मेज ग्रैंड सॉर्सरर और इसी तरीके से नेक्रोमेंसर द मोनार्च ऑफ शेडो बन सकता है। सो जिनवू को यहाँ पर जो नई जॉब मिली हुई होती है इसकी मदद से जिनवू यहाँ पर जितने भी उसने यहाँ पर नाइट्स को मारा हुआ होता है उनकी शेडोज को वो यहाँ पर बोलता है उठ जाओ, और जितने भी यहाँ पर नाइट्स होते हैं और वो सभी यहाँ पर उठ जाते हैं, जिसको देखकर जिनवू काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है वाह ये तो मस्त है। जिनवू अपने मन में सोचते कहता है कि इसका मतलब ये है कि मैं हर उस अपोनेंट को जिसको कि मैं मारूंगा मैं उसको एक समरण बीस्ट बना सकता हूँ। तो बेसिकली मतलब ये है कि जिनवू जिस भी बंदे को मारेगा उसकी शेडो को जिनवू अपने कंट्रोल में कर सकता है और जो भी चाहे उनसे करवा सकता है। तो जिनवू बेसिकली बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है। जिनवू यहाँ पर जितने भी नाइट्स होते हैं उन सभी को शेडोज को कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता। उसको सिस्टम उसको वार्निंग देता है कि आपने लिमिट जो है उसको क्रॉस कर दिया है, जिसके बाद जिनवू यहाँ पर समझ में आता है कि असल में वो एक बार में सिर्फ 30 शेडो सोल्जर्स बना सकता है और उनमें से सिर्फ 20 को वो प्रिजर्व कर सकता है। जिनवू सोचता है क्या हो अगर मैं ए रैंक के या एस रैंक के हंटर के शेडो को भी ऑब्टेन कर लूं तो सामने उसको इग्रीस जो नाइट होता है वो दिखाई दे रहा होता है जिसकी जो रैंक है वो ए रैंक है उससे ज्यादा ही है। जिसके बाद जिनवू को यहाँ पर जिसको उसकी अपनी शेडो आर्मी में लेना है शेडो सोल्जर बनाना है उनको बना लेता है, बाकी सबको वो वापस भेज देता है। जिन शेडो सोल्जर्स को तुम रिटर्न कर दोगे तुम उसको दोबारा समय नहीं कर सकते हो। जिनवू नाइट कमांडर इग्रीस द रेड के पास जाता है और कहता है कि अगर क्या हो अगर मैं इस बंदे को अपनी आर्मी में ले लूं तो, और उसके पास जाके बोलता है अराइज, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। जिनवू सिस्टम उसको बताता है कि तुम इसकी शेडो लेने में फेल्ड हो गए। जिनवू कहता है क्या? इसके बाद जिनवू सिस्टम उसको बोलता है कि तुम्हारे पास दो चांस अभी भी बचे हुए हैं। जिनवू कहता है कि आसान नहीं है। इसके बाद जिनवू फिर से ट्राई करता है लेकिन फिर से फेल हो जाता है। अब उसके पास सिर्फ एक ही चांस बचा होता है। जिनवू यहाँ पर जो सामने खाली थ्रोन होता है उसको देखते हुए कहता है जिस खाली थ्रोन की तुम देखभाल कर रहे हो उस थ्रोन के ऑनर को गए हुए काफी लंबा समय हो गया है, उसको प्रोटेक्ट करना बंद करो। कैसा रहेगा कि अगर तुम मेरे को प्रोटेक्ट करो उसको जो कि तुम्हारे सामने खड़ा हो। और फिर से बोलता है कि उठो, और इस बार उसका यहाँ पर जो शेडो होता है वो वर्क कर जाता है और यहाँ पर वो जो ग्रीस द रेड नाइट्स कमांडर होता है वो उठ जाता है। और इस बार जिनवू सक्सेसफुल हो जाता है और उसकी जो शेडो पावर होती है उसको एनहेंस कर लेता है, जिसके बाद जिनवू यहाँ पर उसका नाम रखता है इग्रीस। सो अब जिनवू बन चुका है बहुत ज्यादा पावरफुल ताकतवर। साथ ही में जिनवू का जो स्टैट्स आप लोग सामने देख सकते हो तो जिनवू के जो स्टैट्स हैं वो पहले से काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गए हैं। पहले से ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो गए हैं। जिनवू इग्रीस की तरफ देखते हुए कहता है मैं तुम्हारे साथ मिलकर लड़ने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सो इसी सीन के साथ ये वाला जो एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे भी तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, बाकी अगर कर रखा है तो बहुत अच्छा है। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में,